है। ये कहानी है उन वीर माताओं की जिनके वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा की। ये सच्चाई है टाइगर हिल की, टोलोलिंग की, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की, मेरे और आप जैसे हर भारतवासी की। आइए सुनते हैं कारगिल युद्ध और उन शूर वीरों की कहानी। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। श्रीनगर से 205 किलोमीटर की दूरी पर है कारगिल। यहां केवल एक ही राजमार्ग है, NH1 डेल्टा, जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। घुसपैठिए इस मकसद से आए थे कि वो इस राजमार्ग पर कब्जा कर सके, जिससे लेह की आजादी पर खतरा पैदा हो सकता था। उनकी इस घुसपैठ का कोड था ऑपरेशन बदर। पर नहीं था उस दुश्मन को अंदाजा भारत पुत्रों की रगों में दौड़ते हुए खून और उसके उन्माद का, भारतवासियों की ताकत और हौसले का। इस मेमोरियल की सुरक्षा करते हुए और हमारे समक्ष फैली हुई विशाल गाय पहाड़ी मशहूर तोलोलिंग की पहाड़ी है। देखने में तो ये एक मामूली चोटी लगती है, लेकिन इसे अपने खून से सींचा है भारतीय सेना के बहादुर वीरों ने, जिनकी रगों में जोश और दिल में देशभक्ति का सैलाब था। वो लड़े अपने सम्मान के लिए, अपनी यूनिट की इज्जत के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने परिवार और हम सब के लिए। उन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। इन वीरों में न तो मौत का खौफ था, न दुश्मन का डर, बस गर्व था कि आज देश पर मर मिटने का वक्त आ गया है, देश को कुछ लौटाने का मौका मिला है। सच कहा है मेरे दोस्तों, जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। कर चले मई 1999 को 18 ग्रेनेडियर्स ने तोलोलिंग पर शुरुआती हमला शुरू किया। दुश्मन तक पहुंचना मुश्किल था, पर नामुमकिन नहीं। हमारा खूनी संघर्ष जारी रहा और दुश्मन की गोलाबारी के बीच तजवीज बदल गए। 28 मई को मेजर आरएस अधिकारी कैप्टन एसए नंबालकर और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह के नेतृत्व में हमारे जाबाज सिपाहियों ने तोलोलिंग पर हमला किया। शुरुआती हमलों में कम प्रोग्रेस के बावजूद हमारी सेना ने घुसपैठियों पर दबाव कायम रखा। तत्पश्चात 2 राजपुताना राइफल्स, 18 गढ़वाल राइफल्स को भी इस हमले में शामिल किया गया। 13 जून 1999 की सुबह 0300 आवर्स को 2 राजपुताना राइफल्स के मेजर विवेक गुप्ता ने असाधारण वीरता और अदम्य साहस का परिचय देते हुए तोलोलिंग पर कब्जा किया और तोलोलिंग की पहाड़ी पर तिरंगा फहरा दिया। और इसके साथ ही 13 जून की सुबह 0600 आवर्स तक 0.4590 पर भारतीय तिरंगा लहरा दिया गया। तोलोलिंग की लड़ाई में भारतीय सेना के अनेक बहादुर जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इस लड़ाई में मेजर विवेक गुप्ता को मरणोपरांत, मेजर आरएस अधिकारी को मरणोपरांत और नायक दिगेंद्र कुमार को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तोलोलिंग भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय की पहली जीत थी और इससे मानो भारतीय सेना के हौसलों को नए पंख मिल गए। लेकिन जीत की भूख अभी खत्म नहीं हुई थी और 0.5140 पर आक्रमण करने की कार्यवाही शुरू हुई। इस बार चौतरफा हमले की योजना बनाई गई। 18 गढ़वाल राइफल्स पूर्व से, 1 नागा दक्षिण पश्चिम से और 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को दक्षिण से हमला बोलने का हुक्म दिया गया। 19 जून की रात का वक्त था। ऑब्जेक्टिव को नेस्तनाबूद करने के लिए तमाम डिविजनल आर्टिलरी और 10 सेक्टर में मौजूद सभी इन्फेंट्री मोर्टार्स को
कठिन परिस्थितियों में, खराब मौसम और दुश्मन की घातक गोलाबारी के बावजूद हमारे जवान आगे बढ़ते रहे और 20 जून की सुबह तक 5140 कॉम्प्लेक्स पर कब्जा कर लिया। एक बार फिर जोश और उल्लास के साथ भारत का तिरंगा लहराता हुआ 5140 की चोटी पर दिखा। जीत की कामयाबी चखने के बाद तमन्नाएं बढ़ने लगी और अगला लक्ष्य 4700 और 3 पिब्बल था। 28 जून की रात टू राजपुताना राइफल्स ने 3 पिब्बल पर आक्रमण की तैयारी शुरू की। धावे से पहले लगभग 2 घंटे के लिए 100 आर्टिलरी गनों, मोर्टार्स और रॉकेट लॉन्चर्स ने ऑब्जेक्टिव पर भारी मात्रा में बम गिराए और बोफोर्स गन को डायरेक्ट फायरिंग रोल में इस्तेमाल किया गया। इस लड़ाई में भारतीय फौज ने अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और त्याग का अद्भुत उदाहरण पेश किया। लेकिन इस जीत में मेजर पी आचार्य, कैप्टन विजयन थापर और कैप्टन कैंगरोस ने वीर गति को प्राप्त करके मातृभूमि का वो जीता हुआ हिस्सा हमें सुपुर्द किया। उनकी शूरवीरता और निडर जज्बे के लिए राष्ट्र द्वारा उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेरे भारतवासियों, इन वीर सैनिकों के खून से सजी ये जीत बहुत महंगी है और हम सब के लिए एक सीख है कि देश रक्षा सर्वप्रथम है। सच ही कहा है, मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूं इस मातृभूमि के लिए और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। इसके बाद जो लड़ाई लड़ी गई उसे पूरे देश में टाइगर हिल के नाम से जाना जाता है। यह वो लड़ाई है जिसने इस युद्ध का रुख बदल दिया। 18 ग्रेनेडियर की एक कंपनी और घातक प्लेटून में भारी गोलियों की बौछार और भारी गोलाबारी के बावजूद लेफ्टिनेंट बलवान सिंह के नेतृत्व में टाइगर हिल पर धावा बोला। घातक प्लेटून के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने इस लड़ाई में अपने साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। गंभीर रूप से घायल होने पर भी उन्होंने पाकिस्तानी बंकर को ध्वस्त कर दिया और दुश्मन के 4 सैनिकों को नजदीकी लड़ाई में मार गिराया। 11 जुलाई 1999 तक भारतीय फौज ने टाइगर हिल कॉम्प्लेक्स पर मौजूद सभी दुश्मनों को खाक में मिला दिया और दराज की सरताज टाइगर हिल पर विजय पताका फहराया। इस लड़ाई में अपनी शूरवीरता के लिए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से नवाजा गया। 4 जुलाई द्रास की वादियों में जाट बलवान जय भगवान उद्घोष करते हुए मेजर आर के सिंह, मेजर दीपक रामपाल और कैप्टन अनुज नायर के अधीन 17 जाट के बहादुर जवानों ने व्हील बैक पिंपल 1 तथा पिंपल 2 पर भूखे शेरों की भांति तहर बरसाया और रात भर की लड़ाई के बाद 5 जुलाई की सुबह को इन पर अपना कब्जा जमाया। कंपनी कमांडर के बुरी तरह जख्मी होने पर कैप्टन अनुज नायर ने कंपनी की कमान संभाली और अपनी जान की परवाह किए बगैर जवानों का हौसला बढ़ाते हुए शूरवीरता के साथ स्वयं आगे बढ़कर 3 दुश्मनों को ढेर किया। तत्पश्चात पाकिस्तान के पहले बंकर पर अपना कब्जा जमा लिया। उसी वक्त दुश्मन की आरपीजी का दंदनाता हुआ एक गोला उस बांकुरे के सीने को छलनी कर गया, जिससे कैप्टन अनुज नायर यथास्थान वीर गति को प्राप्त हो गए। कृतज्ञ राष्ट्र ने कैप्टन अनुज नायर को अपने इस शौर्य प्रदर्शन के लिए मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च युद्ध पदक महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। आई कुड नेम वो शेषा, ये कम, डोंट ट्राई टू कम अप, अदरवाइज लव इट टफ टाइम।
And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. My company's success kind of was, Ye Dil Maange Bol, Ye Dil Maange Bol. Ye Dil Maange Bol. कैप्टन विक्रम बत्रा के मुंह से निकले ये शब्द आज भी मुर्दा दिलों में जान डाल देते हैं। 0.4875 को अब बत्रा टॉप कहा जाता है। कुछ तो बात थी उस नौजवान में, उसकी आंखों की चमक और दिल में देश रक्षा का जुनून रंग ला रहा था। 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का ये बहादुर सिपाही चल पड़ा था अपनी धुन में, दुश्मनों के बंकरों को नष्ट करता हुआ। फिर इस वीर ने आपके सामने की लड़ाई में 5 दुश्मनों को मौत के घाट उतारा। इसी दौरान दुश्मन के एक मशीन गन का बर्स्ट कैप्टन विक्रम बत्रा के छाती पर लगा। इतना ही नहीं, दुश्मन के रॉकेट लॉन्चर का स्प्लिंटर भी उनके सिर को चीर कर निकल गया और वो यथास्थान वीर गति को प्राप्त हो गए। ये बहादुर सिपाही मौत से तो हार गया, पर सरहद की मर्यादा को कायम रखते हुए देश का दिल जीत गया। इस अदम्य साहस के लिए राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च युद्ध पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। इसी लड़ाई में अपने अदम्य साहस और शौर्य प्रदर्शन के लिए राइफलमैन संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से नवाजा गया। ऑपरेशन विजय की मुख्य लड़ाइयां द्रास में लड़ी गई, मगर और भी कई सेक्टरों में भारतीय सेना के जवानों ने असीम बहादुरी, बलिदान और त्याग का परिचय दिया और वीरता की नई गाथाएं लिखी। काक्सर क्षेत्र की अधिकांश पहाड़ियां 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई की हैं। ये चोटियां पूरे साल बर्फ से ढकी रहती हैं। जब लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के नेतृत्व में 5 लोगों की टीम पेट्रोलिंग के दौरान गायब हुई थी, तब इस घुसपैठ की जानकारी सबसे पहले सामने आई थी। इस क्षेत्र में जो लड़ाई लड़ी गई उनमें अहम थी बैटल ऑफ बजरंग टॉप 0.5299, बैटल ऑफ 0.5605, बैटल ऑफ 0.5280, द बटालिक सेक्टर। 7 जून 1999 को यहां भी ऑपरेशन की शुरुआत हुई। 0.5203 एंड 0.5390, 12 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री एंड 5 पैरा स्पेशल फोर्स के बहादुर सिपाहियों ने शूरवीरता का प्रदर्शन करते हुए 21 जून तक इन चोटियों पर कब्जा जमा दिया। 0.4812, 12 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के बहादुर जवानों ने दक्षिण दिशा से आक्रमण किया और इस लड़ाई में कैप्टन केसी नॉनग्रम अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनके साहस और बलिदान को देखते हुए उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया। बैटल ऑफ खालूबार। 111 गोरखा राइफल्स ने ऑपरेशन विजय के दौरान बटालिक सेक्टर में अविस्मरणीय योगदान दिया। बटालिक के चमकते सितारे लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के नेतृत्व में सामरिक महत्व वाली चोटी खालूबार पर 2 जुलाई 1999 की रात चढ़ाई आरंभ की। दुश्मन की ओर से आसपास के बंकरों से भारी गोलीबारी जारी थी। इसे शांत करने का दायित्व लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को सुपुर्द किया गया। उन्होंने निर्भीकता से हमला करते हुए आमने सामने की लड़ाई में अपनी बंदूक से 4 दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। तीसरे बंकर पर कब्जा करते समय उनके कंधे और पांव में गोलियां लगी। अपने घाव की परवाह न करते हुए उन्होंने गोरखा राइफल्स का आयो गोरखाली युद्ध घोष करते हुए 4th बंकर पर हमला बोल दिया। शहादत को प्राप्त करने से पहले उन्होंने 6 पाकिस्तानी बंकरों को नष्ट कर दिया, 11 से अधिक दुश्मनों को मार गिराया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च युद्ध पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साकार हो उठते हैं उनके द्वारा उनकी ही डायरी में लिखे गए अंग्रेजी के ये शब्द, इफ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई प्रूव माई ब्लड
I promise I will kill death. अर्थात यदि मौत मेरे जुनून को अंजाम देने से पहले मुझ पे टूट पड़े, मेरा वादा है मैं मौत को मार दूंगा।